हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के विकास ग्लोबल स्कूल व विकास डिफेंस एकेडमी के 9 बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर अपने लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि विकास ग्लोबल स्कूल द्वारा एक वर्ष से विद्यालय में विकास डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जनवरी माह में कराया गया था, जिसमें विकास डिफेंस एकेडमी के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 9 बच्चों ने परीक्षा पास की है, जिनमें से 7 बच्चों का एडमिशन अब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 6ठी क्लास में, 2 बच्चों का 9th क्लास में एडमिशन होगा। अब ये सभी बच्चे अपने आगे की पढ़ाई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में पूरी करेंगे, जहां पर इन सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ डिफेंस की शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे ये सभी बच्चे आगे चलकर डिफेंस में अधिकारी बन सकेंगे। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि विद्यालय द्वारा जो हमें पढ़ाया सिखाया गया, हमारे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा जिसमें हम सभी बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया गया था, उसके फलस्वरूप हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, मेरे पिता का नाम अमरनाथ शर्मा है, मेरी माता का नाम बबीता शर्मा है। मैं प्लखुआ का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आके तो मुझे सबसे पहले चीज़ पता चली कि सैनिक स्कूल के बारे में मुझे पता चला, और उसके लिए मैंने तैयारी करी। हमारे टीचर्स ने बहुत सहयोग करा मेरा पढ़ने के लिए, और मेरी प्रिंसिपल मैम, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम और जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और मुझको बहुत मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, और मैंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा है। मेरा नाम अंशु चौधरी है, मेरा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? विकास ग्लोबल स्कूल डिफेंस एकेडमी। तो आपने जो एग्ज़ाम दिया था, किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था और कब आपका रिजल्ट आया? 24 फरवरी को रिजल्ट आया है और मैंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल व डायरेक्टर ने बताया कि विकास डिफेंस एकेडमी जो कि हमने पिछले वर्ष से ही शुरू की थी, उसमें जो बच्चे डिफेंस में जाने के इच्छुक होते हैं उनको सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए कोचिंग कराई जाती थी। इस वर्ष हमारे विद्यालय के 10 बच्चों ने सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें से हमारे विद्यालय के 9 बच्चों ने इस एग्जाम को क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। मुझे आज वो एक दिन याद आ रहा है कि जब मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण एजुकेशन सब्जेक्ट में की थी, तो मैंने सर से, जो मेरे हस्बैंड भी हैं, उनसे पूछा था कि सर अब आगे मुझे क्या करना है। मैं उस वक्त अमरोहा में कार्यरत थी। सर ने कहा कुछ नहीं करना, अब आपको एक सिंपल से साधारण से स्कूल में नौकरी करनी है। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा नई ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही है वर्षा तेवतिया, आपके लिए कुछ योजनाएं मैंने बहुत पहले से बनाई हुई है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ हमारे चेयरमैन सर का मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम लोगों ने जो पूरे वर्ष मेहनत की है, बच्चों ने अथक प्रयास किया है, गर्मी सर्दी बरसात सब चीज़ों में विद्यालय पहुँचने का प्रयास किया है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है पढ़ाई के प्रति, इसके लिए मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में लेकिन परीक्षा को क्वालिफाई किया है। अब ये सभी बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूलों में अलग अलग कक्षाओं में आगे की शिक्षा प्राप्त करेंगे और आगे चलकर डिफेंस में उच्च पदों पर पहुंचकर अपना व परिवार का नाम रोशन करने के साथ ही हापुड़ जनपद का नाम रोशन करेंगे। सर हमारे एक्चुअली इस साल हमने डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की थी, जिसमें पहले ही वर्ष में हमारे 9 बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से 7 बच्चे जो अचीवमेंट्स हैं वो 6th क्लास में एडमिशन होंगे और 2 बच्चे 9th क्लास में उनके एडमिशन होंगे। उन बच्चों को इस तरीके से हमारी एकेडमी ने तैयार किया है जिससे कि वो कल भविष्य में डिफेंस के ऑफिसर बन जाएं। दूसरा, स्पोर्ट्स कॉलेज मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज राई के लिए भी हम आपको कुछ बच्चे तैयार कर रहे हैं और उनमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे अवश्य सेलेक्ट होंगे। तीसरा चीज़ है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर भी हमारे बच्चों का एक बड़ा अचीवमेंट्स आया है। पहली साल में ही नेशनल लेवल में एक बच्चा हमारा देव कुमार जो कि एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लिया है, तथा हमारी कबड्डी की टीम जो है गर्ल्स की, उन बच्चों ने स्टेट लेवल पर अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो इस तरीके से हमारी एकेडमी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रही है। धन्यवाद। हम सभी इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं।